हम इस टाइम मौजूद हैं मेरे घर के किचन में, यानी देसी अम्मी के देसी किचन में। और किसी भी औरत या किसी भी माँ के देसी होने का अंदाजा उस एक चीज से लगाया जा सकता है जो उसकी किचन में मौजूद है। पाकिस्तान में कोई भी किचन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये चीज मौजूद ना हो। और ये चीज क्या है ये हम अभी आपको दिखाते हैं, जिससे किसी भी किचन के देसी होने का उस घर की माँ के बेतहाशा देसी और हैशटैग सो मिडिल क्लास ओ माय गॉड ये होने का पता चलता है। और वो चीज है अम्मी शॉपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गौर से देखिए, ये है वो अम्मी शॉपर जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली, हर देसी अम्मी के किचन में मौजूद है। जिस तरह एक माँ अपनी गोद में बच्चों को संभाल के रखती है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह, जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह ये अम्मी शॉपर अपनी गोद में बेतहाशा फैमिली प्लानिंग के बगैर शॉपरों को संभाले हुए है। शॉपर, बड़ा शॉपर, और उससे छोटा शॉपर, और उससे भी छोटा शॉपर, और छोटे शॉपर का निक्का भाई सबसे निक्का शॉपर, और शॉपर शॉपर पे शॉपर, शॉपर पे शॉपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉपरों की भरमार हो गई है, जिंदगी मुक जाएगी, लेकिन अम्मी के इस बड़े शॉपर के अंदर से निक्के शॉपर निकलने बंद नहीं होंगे। और आप यकीन करें कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह घर में बड़े बड़े शॉपर आने पर इतनी खुश होंगी। मतलब जितना बड़ा शॉपर आता है ना, उतनी आपको ज्यादा खुशी होती है। वो लोग जो हाइपर स्टार या मिनी सो जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बात पे आपको और बताती जाऊं कि अभी भी आप मेरी अम्मी के घर जाए ना, तो उनके पास हर साइज का शॉपर मौजूद है। मतलब कि आपने अपनी लैंड क्रूजर भी पैक करनी होगी ना, तो उसके साइज का भी शॉपर मेरी अम्मी के घर में मौजूद होगा। क्योंकि वो 1975 में जो उन्होंने अपना पहला फ्रिज खरीदा होगा ना, उसकी पैकिंग अभी तक उन्होंने सेव करके रखी होगी कि शायद शायद किसी दिन ये पैकिंग और ये शॉपर किसी काम आएगा। और जिस दिन वो काम आ जाता है ना, तो उस दिन अम्मी कहती है, देखा बेटा आ गया ना काम, तुम ऐसी कहती थी इसको फेंक दो।